Now today we'll discuss mass volume relationship, stoichiometric calculations in dynamics. इसमें हमारा सेकेंड प्रॉब्लम है मास वॉल्यूम रिलेशन। मीन्स आपको रिएक्टेंट का मास गिवन है और आपको प्रोडक्ट का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। सो क्वेश्चन किस तरीके से है, देखिए 2.7 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम रिएक्ट विथ एक्सेस ऑफ H2SO4 टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म। सो नाउ व्हाट इज द केमिकल चेंज। एल्यूमिनियम इज अ रिएक्टिव मेटल and it react with H2SO4. So whenever the metal is react with the acid, what will happen? Anyone? Whenever the metal is react with this acid, what will happen? Kya product banenge? When metal is react with H2SO4, aluminium is react with H2SO4, क्या product बनेगा? Al2SO4 whole thrice plus hydrogen gas। अब देखिए पहले हम इसको balance कर लेते हैं। So 2 ये हो गया 3 H2SO4 gives 3 H2। तो ये आपका balance equation के form में आपका chemical change आ गया। That two molecules, the two moles of aluminium react with the three moles of H2SO4, produce one mole of aluminium sulfate and three mole of hydrogen gas. So, इसके two mole हैं और इसके three mole form पर। And two mole means one mole of aluminium has a mass of 27 gram. So, 54 gram of aluminium produces 3 × 22.4 liter of hydrogen. देखिए कैलकुलेशन कैसे हो रही है। देखिए यहाँ मैंने स्टोइकोमेट्री के हिसाब से क्या बताया कि इसके टू मोल्स इसके थ्री मोल प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब देखिए आपके पास यहाँ रिएक्शन के अंदर दो रिएक्टेंट है, फिर भी हम क्या पता नहीं कर रहे हैं, लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट पता नहीं कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर हमें दे दिया है कि H2SO4 ऑलरेडी एक्सेस में है। तो ये एक्सेस में है, ये ऑटोमेटिकली आपका क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट। तो एल्यूमिनियम ही आपका क्या देगा, प्रोडक्ट का मैक्सिमम अमाउंट देगा। तो 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम रिएक्ट विद 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन। अब यहां हमारी प्रॉब्लम क्या है, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप है, मतलब एल्यूमिनियम का मास दिया हुआ है और हाइड्रोजन का वॉल्यूम कैलकुलेट करना। क्या कैलकुलेट करना, हाइड्रोजन का वॉल्यूम कैलकुलेट करना। हम क्या बोलेंगे, 54 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम रिएक्ट produces, sorry, 54 gram of aluminium produces 3 × 22.4 liter of hydrogen. अब यहाँ देखिए मैंने 22.4 liter of hydrogen क्यों multiply किया 3 के साथ, because one mole of hydrogen gas has a volume 22.4 liter at STP. STP पर उसका कितना volume form होता है, 22.4 liter form, कितना form होता है, 22.4 liter। ये हमने डिस्कस किया था मोल कॉन्सेप्ट के अंदर, दैट वन मोल ऑफ गैस एट एसटीपी हैज अ वॉल्यूम 22.4 लीटर। तो हमने क्या कैलकुलेशन किया, देखिए 54 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम यूजेस, यहां ये कितना हुआ 12 67.2 लीटर ऑफ हाइड्रोजन। तो आपके पास कितना एल्यूमिनियम है, 2.7 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, तो कितना बनेगा, 67.2 डिवाइडेड बाय 54 × 2.7 लीटर ऑफ हाइड्रोजन, कितना हाइड्रोजन आपका मिला। तो
तो देखिए कैसे कैलकुलेशन होगी, कितना वॉल्यूम बनेगा, लीटर ऑफ हाइड्रोजन, ये आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3.36। यस बताइए। देखो एल्यूमिनियम के एक मोल का मास कितना होता है, एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास कितना होता है 27। व्हाई वी आर टेकिंग 54 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, बिकॉज बैलेंस केमिकल इक्वेशन के हिसाब से इसके कितने मोल यूज हो रहे हैं, 2 मोल्स यूज हो रहे हैं, एंड 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम हैज 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम हैज अ मास ऑफ 27 ग्राम, तो 27 इनटू 2 54, तो इसके 54 से इसके 67.2 लीटर बन रहे हैं, तो इसके 2.7 से कितने बनेंगे वो हमने कैलकुलेट कर ली। इज इट क्लियर? Any doubt in that part? Anyone? Krisha, Maitri, now next question dijiye. On decomposition of COCO3 produces CaO and CO2. Now calculate the amount of CaCO3 required to produce liter of CO2 gas. Now this time the amount of product is given, volume of the product is given, and you have to calculate the amount of reactant required. आपको कितना reactant required है वो calculate करना है। तो देखिए ना केमिकल चेंज हम लिखेंगे CaCO3 decomposes into CaO plus CO2, ये आपका केमिकल चेंज हो जाएगा। अब देखिए इसके 1 मोल से आपको क्या मिल रहा है, 1 मोल ऑफ CO2 मिल रहा है। नाउ 1 मोल ऑफ CaCO3 हैज अ वेट, CaCO3 के 1 मोल का मास कितना होगा, देखिए कैल्शियम का 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 3 एटम है तो 48, तो 12 प्लस 48 60, 60 प्लस 40 100, तो CaCO3 के 100 ग्राम से इसका कितना मिल रहा है 22.4 लीटर, कितना मिल रहा है 22.4 लीटर। सो 100 ग्राम ऑफ CaCO3 प्रोड्यूसेस 22.4 लीटर। सो हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे, देखिए to produce ट्वेंटी 22.4 liter of CO2 requires 100 ग्राम of CaCO, कितना चाहिएगा 100 ग्राम, to produce 22.4 liter of CO2 requires 100 ग्राम of CaCO, तो आपको कितना चाहिए 4.48 लीटर ऑफ CO2 रिक्वायर्स 100 डिवाइड बाय 22.4 इनटू 4.48, ये आपकी कैलकुलेशन हो जाएगी।
तो ये 0 से 0 कैंसिल, ये 100 आ गया, यहाँ 10 आ गया, ठीक है, ये 1, ये 2, और ये 2 0 कैंसिल, ये 2 0 कैंसिल, 2 × 10 कितना आ गया, 22। तो कितना कैल्शियम कार्बोनेट चाहिएगा? 20। सो प्रोड्यूस 4.48 लीटर ऑफ CO2। इसे क्लियर समझ में आया? ठीक है, CaCO3 डिकम्पोजेस इनटू CaO प्लस CO2, 1 मोल ऑफ CaCO3 प्रोड्यूसेस 1 मोल ऑफ CO2, मींस 1 मोल ऑफ CaCO3 कितना है? 100 ग्राम है, तो इसके 100 ग्राम से कितना मिल रहा है? 22.4 लीटर ऑफ CO। तो भाई हमें प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट दे रखा है, 22.4 लीटर ऑफ CO2 रिक्वायर्स 100 ग्राम ऑफ CaCO3। So to produce 4.48 liter of CO2, how much CaCO3 is required? 100 divided by 22.4 liter into 4.4. Cross multiplication किया, कितना मिल गया CaCO3? 20 gram of CaCO3 is required. Anyone, is there any doubt? Now we move to the next variety, volume-volume relation. अब इस रिलेशनशिप में देखिए आपको क्या दे रखा है, रिएक्टेंट का भी वॉल्यूम दे रखा है और प्रोडक्ट का भी वॉल्यूम आपको कैलकुलेट करना है, या फिर प्रोडक्ट का वॉल्यूम दे रखा है और रिएक्टेंट का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। सो व्हेनेवर द रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स बोथ आर गैसेस इन नेचर, वी कैन यूज अ कैलकुलेशन यूजिंग we can use a calculation using Galoussek law। इसके हेल्प से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, Galoussek law की हेल्प से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। Galoussek law क्या बोलता है? Galoussek law क्या बोलता है आपको कि whenever reactants, gases reactant combine and produce gases product, all the reactants and products is in the same whole number ratio. Sorry, simple whole number, not same whole number ratio, it is a simple whole number. Whenever gases reactant produces gases product under the identical condition of temperature and pressure, all the reactant and products are in simple whole number ratio. तो वहाँ गैलिसेक लॉ की हेल्प से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं सिंपली। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, 5 लीटर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिएक्ट विद 2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस टू प्रोड्यूस सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस, आइडेंटिफाई लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट, सेकेंड रिमेनिंग अमाउंट ऑफ एक्सेस रिएजेंट, एंड थर्ड वन वॉल्यूम ऑफ SO3 फॉर्म, कि SO3 का कितना वॉल्यूम फॉर्म हुआ है वो आपको कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन समझ में आया? तो अब जो आपको केमिकल चेंज दे रखा है उसको हम बैलेंस बैलेंस केमिकल इक्वेशन में रिप्रेजेंट करते हैं, 2SO2 प्लस O2 गिव्स 2SO3। ये आपका बैलेंस इक्वेशन हो जाएगा। तो देखिए अब यहाँ गैलोसेक लॉ लगा सकते हैं कि भाई इसके 2 मोल इसके 1 मोल से रिएक्ट करके इसके कितने बना रहे हैं, 2 मोल बना रहे हैं। अब मोल ले लें, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं इसके 2 वॉल्यूम
इसके वन वॉल्यूम से रिएक्ट करके कितना बनाएगा, इसका टू वॉल्यूम बनाएगा। हम गैलुसेक लॉ की हेल्प से कैलकुलेशन सॉल्व कर सकते। सो टू वॉल्यूम ऑफ SO2 रिक्वायर्स वन वॉल्यूम ऑफ O2। सो 5 लीटर ऑफ SO2 रिक्वायर्ड 5 बाय 2 लीटर ऑफ O2, बट हमारे पास वॉल्यूम कितना है, 2 लीटर ही दे रखा है, 5 बाय 2 दे ही रखा है, तो 5 लीटर SO2 का कंप्लीटली कंज्यूम नहीं होगा। देखिए कैलकुलेशन कैसे हो रही है, देखिए द टू वॉल्यूम ऑफ SO2 रिक्वायर्स 1 volume of O2. 2 volume of SO2 requires 1 volume of O2. So 5 liter of SO2 requires 1 by 2 into 5. ये कितना हो गया? 5 by 2 liter of O2. ये कितना चाहिएगा? 2.5 liter of O2. But required amount of O2 कितना दिया हुआ था? आपको given amount कितना दिया हुआ है? बट गिवन अमाउंट ऑफ ओ टू इज ओनली 2 लीटर, सो एसओ थ्री इज नॉट कंप्लीटली कंज्यूम इन रिएक्शन, वो कंप्लीटली कंज्यूम नहीं होगी रिएक्शन। तो एसओ थ्री आपका क्या हो जाएगा, यस एसओ थ्री एजेंट, और O2 क्या हो जाएगा, लिमिटिंग SO3 क्या हो जाएगा, एक्सेस रिएजेंट, और O2 क्या हो जाएगा, लिमिटिंग। अच्छा है, ठीक है, इज इट क्लियर? अब मुझे एक्सेस रिएजेंट का आपको क्या करना है, रिमेनिंग अमाउंट चेक करना। तो आप कैसे चेक करेंगे, टू एसओ टू प्लस ओ टू गिव्स टू एसओ थ्री, इसका टू वॉल्यूम, इसका वन वॉल्यूम, इसका टू वॉल्यूम करता है। हम क्या बोलेंगे, अब आपका लिमिटिंग रिएजेंट ही आपको प्रोडक्ट का मैक्सिमम अमाउंट देगा और एक्सेस अमाउंट का, एक्सेस रिएजेंट का रिमेनिंग अमाउंट देगा। कैसे देखेंगे, वन वॉल्यूम ऑफ O2 रिक्वायर्स टू वॉल्यूम ऑफ SO2, टू लीटर ऑफ O2 रिक्वायर्स टू बाय वन इंटू टू, फोर लीटर ऑफ SO2, मतलब कितना आपका SO2 यूज आएगा, 4 लीटर। तो रिमेनिंग अमाउंट कितना आया, अनयूज वॉल्यूम ऑफ SO2 कितना हो जाएगा, 5 माइनस 4 1, ये अनयूज अमाउंट है, कितना वॉल्यूम यूज नहीं होगा, 4 लीटर यूज होगा। सो प्रोडक्ट कितना बन गया, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट, देखिए ऑक्सीजन का 2 लीटर यूज हुआ और सल्फर डाइऑक्साइड का 4 लीटर, तो 2 प्लस 4 6 लीटर आपका क्या बन जाएगा, 6 लीटर बनेगा या नहीं बनेगा, सोच के बताना। वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट 6 लीटर बनेगा या नहीं बनेगा, सोच के बताना, मैं गलत भी हो सकता हूं, सोच के रिप्लाई करना कि प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम 6 लीटर बनेगा या कुछ और बनेगा। और कौन भाई, प्रज्ञा बोल रही नहीं बनेगा, धैर्य बोल रहा है बनेगा, हाँ हाँ भाई धैर्य बोल रहा है बन जाएगा, प्रज्ञा बोल रही है नहीं बनेगा,
हाँ बाकी लोग बताएं कृष्णा मोहम्मद प्रोडक्ट ऑफ एसओ थ्री कितना होगा। मैं प्रोडक्ट ऑफ पूछ रहा हूँ, प्रोडक्ट वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट पूछ रहा हूँ। देखो ऑप्शन, मैं कुछ ऑप्शन बता रहा हूँ। पहला ऑप्शन है कि प्रोडक्ट ऑफ SO3 फॉर्म इज 6 लीटर, प्रोडक्ट ऑफ SO3 फॉर्म इज 5 लीटर, प्रोडक्ट ऑफ SO3 फॉर्म इज 4 लीटर एंड वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म SO3 फॉर्म इज 8 लीटर। चार ऑप्शन है, 6, 5, 4 और 8, क्या होगा आंसर? देखिए कृषा मोहम्मद हाँ कृषा क्या होगा आंसर? मैंने चार ऑप्शन दिए उसमें से कुछ तो आपको बताओ आपके हिसाब से क्या होना चाहिए आंसर। 6, 5, 4 और 8। ये आंसर गलत है, 6 लीटर नहीं बनेगा। मैंने बताया था कि जब भी रिएक्शंस गैसेस फेज में हो रही है तो गैसेस रिएक्टेंट गैसेस प्रोडक्ट सिंपल होल नंबर रेशियो में कंबाइन होंगे, तो ये 2:1 है तो इसका 2 वॉल्यूम बनेगा। तो यहाँ कैलकुलेशन क्या होगी, 1 वॉल्यूम ऑफ O2 प्रोड्यूसेस 2 वॉल्यूम ऑफ SO3, तो 2 लीटर ऑफ O2 प्रोड्यूसेस 4 लीटर ऑफ SO3, तो SO3 का कितना अमाउंट बनेगा, 4 लीटर। यहां सिंपली वॉल्यूम ऐड नहीं होंगे, यहां सिंपली वॉल्यूम ऐड नहीं होंगे, ये ध्यान रखना है आपको। यहां सिंपली वॉल्यूम ऐड नहीं हो जाएंगे कि जैसे मासेस ऐड होते थे वैसे वॉल्यूम ऐड नहीं होंगे। रिमेनिंग वॉल्यूम तो भाई आपके पास SO3 का 5 लीटर है, SO2 का सॉरी, तो उसमें से 4 लीटर ही यूज हो रहा है, 1 लीटर तो बच गया है ना, तो बताना तो पड़ेगा ना कि कितना एक्सेस में है। SO3 तो SO3 का फॉर्मेशन तो इस लिमिटिंग रिएजेंट के बेसिस में होगा ना कि इसका 1 वॉल्यूम इसका 2 वॉल्यूम प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसके 2 लीटर है तो इसके 4 लीटर ही बनेंगे। इसमें ऐसा नहीं होगा जैसे हम मासेस में ऐड कैसे करते थे कि भाई इसका 20 ग्राम यूज हो रहा है इसका 50 ग्राम तो टोटल प्रोडक्ट 70 ग्राम बनेगा, तो वॉल्यूम में ऐसा नहीं होता है कि भाई इसके 2 लीटर यूज हुए और इसके 4 लीटर तो 4+2 6 लीटर बनेंगे ना, ऐसा नहीं होगा। किस स्टाइकियोमेट्री में आपकी रिएक्शन हो रही है उसके हिसाब से सोल्यूशन आए, ये आपको ध्यान रखना है। जब भी आपकी रिएक्शन वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप में हो तो आंसर में ऐसा नहीं है कि दोनों रिएक्टेंट वॉल्यूम्स को ऐड करके आप प्रोडक्ट का वॉल्यूम लिख ले, ये गलती होती है, इसलिए ही जानबूझ के पहले मैंने 6 लीटर बताया आपको। जैसे मासेस में मैंने बताया था कि रिएक्टेंट का 20 ग्राम इसका और इसका 40 ग्राम यूज हो रहा है तो दोनों का मिला के प्रोडक्ट का 60 ग्राम बनेगा, वो सही था, लेकिन वॉल्यूम में ऐसा नहीं होता क्योंकि वॉल्यूम्स जो होते हैं गैलुसॉक लॉ के हिसाब से क्या होता है, जब भी गैसेस रिएक्टेंट और गैसेस प्रोडक्ट अवेलेबल होते हैं रिएक्शन में, सो ऑल द वॉल्यूम्स प्रेजेंट इन द सिंपल होल नंबर रेशियो, सारे वॉल्यूम सिंपल होल नंबर रेशियो में प्रेजेंट होंगे। इज इट क्लियर, समझ में आया? तो ये वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप में ये आपको ध्यान रखना है। एनी डाउट? चलिए लास्ट क्वेश्चन हम वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप पे करते हैं।
N2 plus 3H2 gives 2NH3. मतलब क्वेश्चन क्या है कि 5 लीटर ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विद 10 लीटर ऑफ हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस अमोनिया. 5 लीटर ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विद 10 लीटर ऑफ हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस अमोनिया एट एसटीपी. कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अमोनिया फॉर्म. कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ NH3 फॉर्म. ये NH3 का कितना वॉल्यूम फॉर्म होगा वो आपको बताना है. तो अब देखिए हम स्टोइकोमेट्री के हिसाब से गैलोसिक लॉ के हिसाब से क्या लिख सकते हैं. इसका वन वॉल्यूम इसके 3 वॉल्यूम से रिएक्ट करेगा. सो वन वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन रिक्वायर्स 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन. तो 5 लीटर ऑफ नाइट्रोजन रिक्वायर्स 3/1 × 5 15 लीटर ऑफ हाइड्रोजन. बट आपके पास अवेलेबल अमाउंट कितना है 10 लीटर ही है. बट अवेलेबल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज ओनली 10 लीटर. तो सीधी सी बात है नाइट्रोजन का 5 लीटर कंप्लीटली कंज्यूम नहीं होगा, उसका कुछ कम यूज होगा. तो एक्सेस रिएजेंट कौन सा हुआ नाइट्रोजन. और लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा हुआ लिमिटिंग रिएजेंट हुआ हाइड्रोजन. ठीक है अब मुझे लिमिटिंग रिएजेंट पता चल गया तो वॉल्यूम ऑफ NH3 पता चल जाएगा. कैसे पता चलेगा कि भाई इसके 3 वॉल्यूम इसके 2 वॉल्यूम प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसके 3 वॉल्यूम इसके 2 वॉल्यूम प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इसके 10 लीटर कितने प्रोड्यूस करेंगे वो कैलकुलेट करके बता दूंगा. तो कैसे लिखेंगे देखिए थ्री वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन produces 2 volume of ammonia. So 10 liter of hydrogen produces 2/3 means 20/3 liter of ammonia. That is 6.67 liter of ammonia formed hoga. Is it clear? So that is a stoichiometric calculation of volume. Volume. Kya hua beta? Dekhiye, pehle maine limiting reagent pata kar liya. लिमिटिंग रिएजेंट के बेसिस पे आपको प्रोडक्ट का अमाउंट मिलेगा. हमेशा ध्यान रखने का यदि एक्सेस रिएजेंट का रिमेनिंग अमाउंट पता करना है या प्रोडक्ट का अमाउंट पता करना है तो हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट से ही पता चलेगा कि भाई इसके 3 वॉल्यूम इसके 2 वॉल्यूम प्रोड्यूस कर रहे हैं. सो 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूसेस 2 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया. तो अब आपको हाइड्रोजन के 10 लीटर दिए हुए हैं. सो 10 लीटर ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूसेस 2/3 × 10 20/3 liter of ammonia. Is it clear? Is there any doubt? Confirm. So, ये आपका stoichiometric calculation complete हुआ. ठीक है अब इस चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक बाकी है रिएक्शन इन द सॉल्यूशन. क्या है रिएक्शन इन द सॉल्यूशन. सो इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट मेथड्स फॉर एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के कुछ मेथड्स हैं जिसमें से देखिए 3 मेथड आप ऑलरेडी 9th-10th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं मास परसेंटेज वॉल्यूम परसेंटेज एंड मास बाय वॉल्यूम. ये 3 मेथड आप ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हैं. ठीक है तो
before discussing the concentration of solution. हमें पता होना चाहिए कि सॉल्यूशन क्या होता है. A solution is a homogeneous mixture of two or more components. It is homogeneous of two or more substances or more components. It has two components. Solution के दो components होते हैं. Solute एंड सॉल्वेंट. नाउ सॉल्यूट क्या होता है? इट इज अ कंपोनेंट और पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन विच प्रेजेंट इन अ लेसर एंटिटी. जो क्या है? लेसर एंटिटी में प्रेजेंट. ठीक है, ये क्या है? पार्ट ऑफ सॉल्यूशन present in lesser quantity. तो वो हो गया solute. और part of solution present in larger quantity. तो वो हो गया solid. जो larger quantity में होगा वो solvent हो जाएगा, जो lesser quantity में होगा वो सल्यूट हो गया. इज इट क्लियर? अब देखिए कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट. नाउ व्हाट इज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन? हाउ कैन वी डिफाइन अ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन? कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन और सॉल्वेंट. यदि आपके पास सॉल्वेंट या सॉल्यूशन का एक गिवन अमाउंट है, उस गिवन अमाउंट में सॉल्यूट का कितना अमाउंट प्रेजेंट है वो क्या बोला जाता है? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. ये ग्राम में हम नहीं बोले तो भी चलेगा. द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन और सॉल्वेंट. सॉल्वेंट या सॉल्यूशन के स्पेसिफिक अमाउंट में सॉल्यूट का कितना अमाउंट प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड इट्स कंसंट्रेशन. Now there are various method for expressing the concentration of solution. Solution की concentration को express करने के बहुत सारे method हैं. और कौन से method हमें discuss करने हैं? जैसे mass percentage, volume percentage, mass by volume, mole fraction, molarity. Molality, parts per million and normal. So these are the eight methods for expressing the concentration of solution. Solution की concentration को express करने के ये कुछ eight methods हैं. Mass percentage, volume percentage, mass by volume, mole fraction, molarity, molality, parts per million, and normality. These are the eight methods for expressing the concentration of solution. देखिए ये जो लास्ट मेथड है ये आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है,
देखिए आप जब भी प्रैक्टिकल्स करते हैं, सॉल्ट एनालिसिस करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, तो नॉर्मैलिटी आपको यूज आती है, ठीक है। तो ये हम कॉम्पिटिशन वाले सेक्शन के अंदर ये पॉइंट डिस्कस करेंगे, ठीक है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो अब हम इसमें से कुछ मेथड डिस्कस कर लेते हैं, या नेक्स्ट क्लास में करें। चलिए तो नेक्स्ट क्लास में ये मैथड्स डिस्कस करेंगे और इन्हीं पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट द टुडे सेशन। आज मैं एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस आपको व्हाट्सएप करूंगा, वो क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। एक लास्ट टॉपिक ये आपका कंसंट्रेशन ऑन सॉल्यूशन बचा है, तो सैटरडे को ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सैटरडे को आपकी ये यूनिट फिनिश हो जाएगी। इज इट क्लियर? चलिए, ओके, बाय।